देख सकते हैं ये जो नालियां भरी हुई हैं और जो पानी है वो लोगों के घर के सामने ही बह रहा है। और ये देखो नाले के नीचे कम से कम इतना कचरा जमा हुआ है। निगम पार्षद क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जब इलेक्शन चालू होता है तो अपनी भाषण देके बस चले जाते हैं, यही काम है उनका। 5 साल से ना कोई विधायक आया झांकने, ना कोई निगम पार्षद आया, ना कि कोई यहाँ का कोई चेयरमैन आया, सब ऐसे हैं, जुमलेबाजी हैं सारे। एमसीडी की ओर से बड़े बड़े वादे जो 5 साल पहले किए गए थे आज हम जमीनी हकीकत देख रहे हैं, तो वही जो वादे जितने किए गए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं। इस समय हम खड़े हैं आदर्श नगर विधानसभा के आदर्श नगर क्षेत्र में। यहाँ का नज़ारा अगर हम आपको दिखाएं तो आप पीछे देख सकते हैं ये जो नालियाँ भरी हुई हैं और जो पानी है वो लोगों के घर के सामने ही बह रहा है, और यहाँ किसी भी निगम पार्षद और किसी विधायक को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार निगम पार्षद ने यहाँ पर कितना विकास किया है, विकास करने की कोशिश भी की है या नहीं की है। आइए चलिए जानते हैं। क्या नाम है आपका? वसीम। कितना काम हुआ है यहाँ पर आपके क्षेत्र? कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुछ भी काम नहीं हुआ है? निगम पार्षद नहीं आते? कोई आता ही नहीं यहाँ पे देखने। कोई भी नहीं आता, निगम पार्षद छोड़ो उनके कोई पीए भी नहीं, झांकने तक नहीं आते। यहाँ पर इतनी गंदगी होती है मैडम, और ये देखिए आपके सामने, देखिए गंदगी देखिए आप, और उसके बाद यहाँ बच्चे बीमार पड़ते हैं, और उसके बाद डेंगू होता है, मलेरिया होता है, और उसके बाद कोरोना का कहर चल रहा है, उसकी वजह से देखो कितने बच्चे बीमार होते हैं, इनके माँ बाप को। एमसीडी में से कोई नहीं आता, ये सफाई भाई करने? कोई नहीं आता, कोई नहीं, कोई साफ नहीं करता, या कोई आता ही नहीं है, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, साफ साफ करता है। चल के देखिए वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, चल के देखिए कूड़े का पूरा ढेर लगा हुआ है। यहाँ आते हैं नाला अगर साफ भी करने आते हैं, ये पूरे पूरे ये हमारे नाले तोड़ देते हैं, बनाने भी नहीं आते, पास से अपने पैसे लगा के बनाना पड़ता है। अपने पैसे लगा कर यहाँ बनवा? अपने पैसे लगा के बनाना पड़ता है। नाले में कचरा बहुत भरा हुआ है, ये देखो नाले के नीचे कम से कम इतना कचरा जमा हुआ है। वो पैसे देके निकलवाया गया है कूड़ा, निकालेंगे आप मेरे को जरा, चलिए आइए। शौचालय भी नहीं है यहाँ, भी एक शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है, पूरा समाज परेशान है शौचालय के लिए। मैडम ऐसा है ना, ये शौचालय तो देखो बेकार है, यहाँ पर महिलाएं आते हैं, गंदे गंदे कपड़े डालते हैं, और उसके बाद बच्चे इसमें बैठते हैं, 100 तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं, और उसके बाद बच्चे के कीटाणु जो शरीर के अंदर जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। आप ये देखिए मैडम, आप या तो इसको बंद कीजिए, या तो कोई चलित गाड़ी आए और चलित गाड़ी में ही शौचालय बन जाए तो सबसे बढ़िया। तो यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर शौचालय तक की सुविधा लोगों को निगम की ओर से नहीं मिली है, और इसी के साथ ही यहाँ पर जो लोगों का कहना है, यहाँ पर कूड़ा कचरा मौजूद है जो कहीं ना कहीं बीमारी फैलाता है, और लोग जो हैं वो अपने घर बीमारी लेकर जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरी हालत यहाँ की, ये बेहद ही शर्मनाक है। निगम के काम जो बोले जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, लोगों से उम्मीदें बांध दी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीदें वोट लेने के बाद पूरी नहीं की जाती हैं। यहीं रहते हैं? हाँ। विकास हुआ है यहाँ के क्षेत्र में? क्या विकास हुआ है? कुछ अभी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, देख रहे हो कूड़ा का खत्ता पड़ा हुआ इतना सारा, अंदर में तो और गंदगी है, ये तो बाहर का ही है बस, अंदर तो बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, नाली भरी रहती है। निगम पार्षद क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जब इलेक्शन चालू होता है तो अपनी भाषण देके बस चले जाते हैं, यही काम है उनका। तो क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में किसकी सरकार बनने वाली? अब देखो किसकी बनती है, हमें खुद नहीं पता किसकी बने, वोट तो आप नहीं बने, वोट जिसको सही लगेगा उसको दे। किससे खुश लग रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी? आम आदमी को देंगे और किसको देंगे? आम आदमी, ठीक है। यहाँ पर लोग जो है वो काफी परेशान दिख रहे हैं, जो स्थिति यहाँ पर हम आपको दिखाएं, ये पूरी स्थिति है यहाँ की, कूड़ा जगह जगह यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही लोगों के चलने तक की सुविधा यहाँ पर नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल मेन मार्केट में, इस समय हम मेन रोड के पास मौजूद हैं, और यहाँ की हालत आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ के विधायकों को ये दिखता नहीं है, बल्कि वो सभी सिर्फ गद्दी हासिल करने के बाद इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते दिखते हैं। आपने कभी कंप्लेंट करी है निगम पार्षद से? मैडम सबने करा है, निगम पार्षद आई थी यहाँ पे जैसे कि टेंट लगा के 100 आदमी बुला के झुग्गी समान यात्रा करके बस एक तरह के चुटकुले देके चली गई।
मतलब उम्मीदें बांध देते हैं हाँ, लेकिन कुछ काम नहीं करते। 5 साल से ना कोई विधायक आया झांक ने, ना कोई निगम पार्षद आया, ना कि कोई यहाँ का कोई चेयरमैन आया। सब ऐसे हैं, जुमलेबाजी हैं सारे। आते हैं देख के चले जाते हैं, आते हैं जब आते हैं वो टेंट वेंट लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, टेंट लगा के अपना काम दिखा के चले जाते हैं, फिर यहाँ कोई झांकने नहीं आते। इलेक्शन होगा तो यहाँ आएंगे, देखेंगे। तो इस बार अगर वोट मांगने आएंगे तो क्या बोलेंगे? इस बार कुछ नहीं, हम अपना से उसमें दबाएंगे, जिसमें कोई वोट नहीं होती उसी में जाके नोटा में बस, मतलब किसी को वोट नहीं देंगे। किसी पार्टी से तो खुश होंगे, आम आदमी पार्टी से खुश है, आम आदमी पार्टी से खुश है। क्या विकास आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी एमसीटी में कर पाएगी आने वाले दिनों में? हाँ कर पाएगी, जैसे दिल्ली को सुधारा ऐसे एमसीटी को भी सुधार देगी। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आम आदमी जो मुफ्त के लोगों को उम्मीदें बांध रही है, कहीं एमसीटी में भी वो भी भ्रष्टाचार में डूब जाएगी? नहीं नहीं। क्या नाम है? मोजा ने पता दी। नाम क्या है? माइकल। क्या लगता है माइकल, यहाँ पे सफाई हुई है नहीं हुई है? नहीं नहीं हुई है। हाँ जी, सफाई हुई है आपके क्षेत्र में? नहीं जी, अभी सफाई नहीं हुई है। एमसीडी की गाड़ी आती है? नहीं आता है। नहीं आती है, कहीं पूरा गंद फैला है, अभी पूरा गंद फैला है इधर में, कोई सफाई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कूड़ा यहाँ पर जमा है, यहाँ पर जो लोग हैं वो ही कूड़ा फेंकते होंगे? कूड़ा यही लोग फेंकते हैं, ये इधर में जो चिकन वन काटते हैं ये सब गंद फैला रखा है इधर में, बदबू आता है निकलते हुए भी। हम तो ड्राइवर आदमी है, राशन लेने के लिए आते हैं, पूरे बदबू आता है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो समस्या है वो कूड़े को लेकर लोग जता रहे हैं कि यहाँ पर निगम पार्षद विधायक से लेकर कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नजर उठाकर नहीं देखता है कि यहाँ पर जितना भी कूड़ा मौजूद है या जितनी भी गंदगी क्षेत्र में फैल रही है वो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि वो लोगों की जिम्मेदारी है, और वोट लेने के बाद सभी सत्ता प्राप्त कर अपनी गद्दियों पर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये लोगों के लिए भी काफी संघर्षपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में वो केवल नोटा का बटन दबाने वाले हैं और किसी को भी वोट नहीं देने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सभी पार्टियों के लिए एक बड़ा खतरे का निशान साबित होने वाला है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अपना मन बना चुके हैं कि वो किसी भी पार्टी को अपना मत नहीं देने वाले हैं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं इशिका, नेशन लाइव।